व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइनक्राफ्ट की और एक नई वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं एक कुकड़ी फॉर्म, तो वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है बोलते, चेस्ट रख देना है मिसर, इसे चेस्ट रख देना है। फिर इसके बाद पीछे एक हॉबर कनेक्ट कर देना है, क्रॉच होकर हॉबर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद एक स्लैब लगा देना है, स्लैब ले ले तो पहले स्लैब ले ले तो पहले चालू ले लिया है। इसके बाद इधर ब्लॉक्स रख देना है कुछ, आपको ऐसे 3-3 ब्लॉक्स का हाइट कर देना है। आपको इसे दोनों तरफ 3-3 ब्लॉक्स का हाइट कर देना है इधर भी, फिर लेकिन बीच में जो है ना इधर एक ब्लॉक रखना है। इस स्लैब का पीछे जो ब्लॉक रहता है ना उसको एक ब्लॉक रख देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है बोलते, इधर ग्लास लगा देना, हमें लगा देता पहले ग्लास ताकि हम चेस्ट को खोल सके। फिर इधर फिर ये जो ब्लॉक रहता है ना पीछे वाला, इसके ऊपर हमें लगाना है डिस्पेंसर। मैं डिस्पेंसर भी ले लेता हूँ, डिस्पेंसर भी ले लेता हूँ। डिस्पेंसर ले लिया, अभी इधर लगा देना है आपको ये वाला डिस्पेंसर, इस तरह कुछ इस तरह लगा देना है आपको डिस्पेंसर भी, ठीक है। तो उसके बाद इसको भी कवर करना है, कर देना है हमें, कवर कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस तरह होने के बाद हमें क्या करना है बोलता, ये वाला जो ग्रास ब्लॉक रहता है इसको छोड़ के उसके आगे के तीन इसे तोड़ देना है, इसके आगे के भी तीन तोड़ देने हैं, इसके बाद नीचे के भी तोड़ देना है, ठीक है। कुछ इस तरह आपको तोड़ देना है। फिर इसके बाद इधर लगाना है ब्लॉक्स और इधर लगाना है टॉर्चेस, ये रेडस्टोन टॉर्चेस दोनों तरफ लगा देना है एक एक। इसके बाद इसको करना है जॉइंट, अभी इसको करने के बाद इधर एक लगा देना है इसके ऊपर, इसके साइड में लगा देना है इधर और इधर, तो ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा स्टोन बोल दे रिपीटर बन जाएगा। फिर इसे कनेक्ट कर देना है हमें, तो ये साउंड आ रहा है ना आपको, वो कनेक्ट हो जाएगा तो मतलब समझ बोल तो ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी कवर कर देना है, तो मैं पहले कवर कर देता हूँ। तो देखो गाइस, आपको कवर नहीं करे तो भी चलेगा, बाद में कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। पहले मैं इसको इसे कनेक्ट कर देता हूँ इससे, ठीक है। मैं इधर डालने वाला हूँ 1, 2, 3, इधर मैं 3x3 का बनाने वाला हूँ एक, 4 डाल देंगे, फिर 3 डाल देंगे सोच रहा मैं तो, ठीक है। मैं 3 बना रहा हूँ, आपका चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो, मैं 3 का बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं पहले 3 का बना लेता हूँ, आप चाहे तो और भी बड़ा बना सकते हो इसे, मैं छोटा बना रहा हूँ फिलहाल। इधर से इसे कवर कर देना है आपको इसको, ताकि जो रेड स्टोन का माल है दिखे ना सबको। इस तरह कुछ लगा देना है आपको। आप इसको लगाने के बाद, इस कवर भी कर देने के बाद आपको क्या करना है बोलते, इसके ऊपर और एक लेयर लगा देनी है सबके ग्लासेस की, पहले मैं लगा देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ।
ओके तो मैं इसके ऊपर और एक लगाने वाला हूँ। फिर इसके ऊपर और लगा देने हैं आपको ये वाले ब्लॉक्स। अभी आपको दो ग्लास की लेयर लगानी है पहले, तो फिर उसके बाद ये भी ऐसे कर देना है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आपको अंदर चिकन स्पॉन करने पड़ेंगे। मैं चिकन भी ले लेता हूँ हाथ में, चिकन सब ले लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इधर लगा देने हैं कारपेट, मैं ग्रीन कलर के कारपेट लगा सकता हूँ, आप कौन से चाहिए वो लगा देना। मैं इतने साइज स्पॉन कर रहा हूँ, आप चाहे तो इतने साइज स्पॉन कर देना, नहीं तो फिर अंदर लाके ब्रीड कर देना, ठीक है। मैं इधर स्पॉन कर दे रहा हूँ, अगर आप इसमें सर्वाइवल में हो तो अंदर लाके ब्रीड कर देना। कवर कर देता हूँ, रुको एक काम करते, इधर पूरा ग्लास से कवर कर देते साइड का। ग्लास का कवर कर देने के बाद आपको इधर लगा देना है एक, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अभी ये पूरा हो गया ऐसे, तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है बोलते, इधर और एक ब्लॉक इंक्रीज बोलते। सबसे पहले तो मैं इधर लावा लगा देता हूँ। अभी लावा लगाने के बाद आपको क्या करना है बोलते, मैं ऐसे कुछ कर दिया है, इसके बाद इसको भी कवर कर देना है। कवर कर दिया है मैंने फिर इसको। अभी हमारा चिकन फार्म वर्क कैसे करेगा बोलते हो, अभी जब भी ये मुर्गियाँ जो है ना अंडे देगी ना, ये अंडे बोलते हो ये अंडे फूटेंगे, अभी ये अंडे हॉपर्स के थ्रू इस डिस्पेंसर में जाएंगे और डिस्पेंसर उन्हें छोड़ेगा इधर स्लैब पे लाके फोड़ेगा। फिर जब भी ये फूटेंगे ना, तो अभी अंडे नहीं दे रही इसलिए नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी देर में अंडे देंगे ये भी, तो अंडे देने के बाद इधर भी स्पॉन होंगे, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। फिर मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, लेकिन तो देखो गाइस इधर बहुत सारी मुर्गियाँ स्पॉन हो चुकी है बोलते, इसके अंदर इसे आ चुकी है बोलते, अंडे देते हैं और ये अंडे डिस्पेंसर क्या होता है बोलते, हॉपर्स के थ्रू वो सारे अंडे डिस्पेंसर के पास आते हैं, डिस्पेंसर अंडे छोड़ता रहता है रिपीटर की मदद से, और जब छोड़ता है इधर आके गिरते, अभी ये जब भी बड़े होंगे ना तब ये मरेंगे बोलते, वैसे जब छोटे हैं फिलहाल के लिए, तो जब बड़े होंगे, अभी देख अभी भी छोड़ रहा है, कभी कभी फूटते हैं, कभी कभी बोलते कभी कभी फोन होते कभी कभी फूट जाते हैं, इसलिए इस तरह होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह होता है, इसलिए मैं अंदर जाके एक बार क्या करता हूँ बोलता हूँ। अरे तो मैं अभी इसके अंदर क्या करता हूँ बोलता हूँ, अभी ये जब भी बड़े होंगे ना इस तरह से मरेंगे, जब भी बड़े होंगे ना इस तरह से मरेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह हमें कलेक्ट भी होएगा। अभी ये छोटे हैं फिलहाल के लिए, तो बोलते अभी मैं इसके अंदर अंडे डालो इसलिए आ रहे हैं, वरना ये जब भी बड़े होते हैं ना, अभी अभी से देखो इसमें कितने पाँच छः आए होंगे जब मैं अंडे डालने से पहले,
पाँचे आएंगे। देखो अभी भी एक फोड़ रहा है, अभी इसमें पाँच तो होंगे मिनिमम, ये पाँच बड़े होंगे तो हमें पाँच चिकन मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे मिलेगा, इस तरह है कम। तो ठीक है, अभी ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।